हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर सरगर्मियां पैदा हो चुकी है। जगह जगह जब प्रत्याशी फील्ड में उतरकर पसीना बहा रहे हैं, वहीं भाजपा के प्रत्याशी गन्नौर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी देवेंद्र कौशिक भी फील्ड में उतरे और जी थोड़े मेहनत कर जनसभाएं कर रहे हैं। आज हमारे साथ देवेंद्र कौशिक मौजूद है, से बात करेंगे। देवेंद्र जी, आप लगातार फील्ड में जा रहे हैं, आज नई गाँव का दौरा किया, कैसे रुझान? पहले तो आपके दर्शकों नमस्कार। जान तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे लगता है गन्नौर का चुनाव एक तरफा चुनाव, लोगों में बहुत जोश है, लोग बहुत ज़्यादा तन मन धन से हमारी मदद कर रहे हैं। क्या मुद्दे, क्या चर्चाएं लेकर लोगों को आपको मुद्दे कर रही है? क्या देखिए, मुद्दे गन्नौर के जो विकास के काम है बहुत हुए हैं। अब हमारा मुद्दा एक है, हमें गन्नौर को विकसित गन्नौर बनाना है और जो नौजवानों के लिए, आप देखिए हमने बहुत बड़ी फैक्ट्री लगी है यहाँ इधर बड़ी में, रेलकोस फैक्ट्री, उसमें बहुत बच्चे लगेंगे। अपना सब्जी मंडी में भी बहुत काम हो रहा है, वही बहुत बच्चे लगेंगे, यहाँ पर रोजगारी कमी नहीं रहेगी, मुझे ऐसा लगता है। प्रत्याशी हैं वो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आप प्रत्याशी बात करके है ना, आप ऐसे आदमी का नाम ले रहे हैं जिसका नाम लेना भी पसंद नहीं करता। वो मतलब आपने देखा है कभी, मतलब कोई एरिया बिकता है क्या? गाँव के गाँव बिकते हैं, ऐसा कभी आज तक इतिहास में हुआ है? हमें 35 साल राजनीति करते हो गए, मतलब आज तक को हमें तो ऐसा सुना ही नहीं था, ऐसी भाषा का प्रयोग और लोगों का इतना बड़ा अपमान करना, ये एक बहुत घटिया आदमी कर सकता, अच्छा आदमी ये काम नहीं कर सकता। 14 तारीख को प्रधानमंत्री जी की रैली हुई थी, तो आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे, कब अपने यहाँ गन्नौर में सोनीपत में आगामी दे दिया? सोनीपत में कल माननीय मुख्यमंत्री जी का अर्जेंट प्रोग्राम बनाया, आज अभी मेरे पास फोन आया था, वो गांव तो तोली में कल आएंगे, एक जनसभा को संबोधित करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री का प्रोग्राम शायद 26 तारीख का बना है, 26 तारीख का माननीय प्रधानमंत्री का प्रोग्राम है। जो कल वीडियो वायरल हुई है, निर्दलीय प्रत्याशी है उनके समर्थन में, कुछ सरपंच कह रहे कि हमने एसोसिएशन ने समर्थन दिया, यानी कौन सी एसोसिएशन, वो कौन से सरपंच है हमारे साथ? अभी मैं गांव में गया, हर गांव में सरपंच तो हमारे मंच में थे और सरपंच ने वोट और सपोर्ट की अपील की है। देखिए, आप कोई एसोसिएशन सभी का फैसला नहीं कर सकती, कोई 10-5 लोग होंगे, हो सकता हो, क्या दिक्कत है? भाई साहब, ये थे भारतीय जनता पार्टी के गन्नौर से प्रत्याशी, जिनका कहना है कि प्रदेश में एक बार पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और गन्नौर में पूर्ण बहुमत से इनकी जीत होगी। गन्नौर से पंजाब के सिटी के लिए कपिल शर्मा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।